भगवान की दादा धन्यवाद। पहली बार आप इस आयोजन में गोविंदा जी के पधारे हैं, बहुत ही शुभ अनुभव रहा होगा आपका। बहुत ही ज्यादा, आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड अब से आई होप हर साल यहाँ पे मौका मिलेगा आने का और हमेशा दर्शन आइए मौका मिलेगा। बहुत ही कृपा निधान और दयालु और सहृदय हैं गोविंदा जी ने, बहुत ही ज्यादा आई थिंक बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, इतना प्यार देते हैं लोगों को और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, आई थिंक उसका कोई हिसाब नहीं है। और जितना भी आप इनसे मिलें आप हमेशा खुशी अपने घर जाएंगे और हंसते मुस्कुराते और एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाएंगे। मेरा अनुभव पर्सनली ये रहा है, बहुत ही मजा। गोविंदा जी बहुत ही नई ऊर्जा और उमंग आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, क्या मायने रखता है ये इस बार का गणपति उत्सव आपके लिए? सामने देखना है आपने, प्रश्न कहीं से भी आएंगे। मैंने इस पूजन में ये प्रार्थना की है कि रिद्धि सिद्धि की देवत गणपति पप्पा जो है बता रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वर्षानुवर्ष जो आंकड़े हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फलाने इनकी फिल्म जो है वो उसका इतना हो गया, ऐसा हो गया, उनका ये व्यापार हुआ, इनका ये व्यापार हुआ, ये बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। परंतु अब ऐसा ईश्वर समय दे कि हमें ये क्या कहते हैं वो भोग
भोगने का हमें प्रसाद मिलना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत वर्षानुवर्ष हो गया मैं इंतज़ार किए जा रहा हूँ, और बहुत शांति से और तमीज़ से और शुक्रिया अदा करते हुए ऊपर वाले के मैंने जो जो साहस और जो जो रिक्वायर्ड होती है श्रद्धा और सब वो उसके साथ में इंतज़ार किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये प्रार्थना जो की है ये लग रहा है कि ये हो जाएगा। मैंने फिल्म देखी है और मैं अभिषेक डोगरा जी, वरुण शर्मा, दिगंगना, प्रवलीन, विजेंद्र काले, जो जो आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे हैं, और आदरणीय साजिद कुरैशी, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग मेरी एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाह रहे थे तो साथ साथ में वो चाह रहे थे कि गोविंदा थोड़ा डिफरेंट लगे, आज का लगे, ऐसा लगे कि ये मॉडर्न है, आज का है, तो मुझे उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के सब लोग के सहयोग से हो पाया। और ख़ास तौर पर मैं और धन्यवाद देता हूँ मेरी सुपुत्री जो है टीना जी का, तो धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरी स्टाइलिंग इन्होंने की है, तो जो जो लुक जो नया लग रहा है उसके लिए दे से दैट के देर इज़ बिहाइंड एवरी मैन देर इज़ सम वुमन वर्किंग ऑन, तो थैंक्सफुल आई एम थैंक्सफुल टू माय वाइफ फॉर सपोर्टिंग मी फॉर सो लॉन्ग, एंड थैंक्स टू टीना फॉर गिविंग मी सच अ गुड स्टाइलिंग, क्योंकि इस एज में आ गया ना थोड़ी सी पार्टियां लोगों की हिल जाती है, मैंने देखी और उसमें रिस्टार्ट करें आप आके तो ये थोड़ा सा साहस पूर्ण डिसीजन हो जाता है। ना ये जो सर सर था इनका फैशन सेंस और स्टाइलिंग मतलब अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से उसको दिखाने में कहूँ या उसको और पढ़ाने में क्या योगदान रहा आपका और कैसे किया? आई थिंक द बेस्ट थिंग इनके बारे में जो बेस्ट है कि ये सुन रहे हैं एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू नो कि कैसे चेंज क्या चेंज करना चाहिए एंड कैसे टाइम के साथ मूव करना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वाइल वर्किंग विथ हिम मुझे भी बहुत सीखने मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज अडैप्टिंग द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन एंड इन अ वेरी ग्रेसफुल एंड अ वेरी वेरी नाइस वे, एंड वी रियली थैंक्स टू अभिषेक डोगरा फॉर टू अलाउ अस टू डू, बिकॉज़ सिर्फ आप लाल भुजक्कड़ भूज गए और ना भूजा को उस टाइप भी नहीं है कि भैया अपना ही सोच लिए, तो ये उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है उनका सपोर्ट जो है वो रहे, और साथ में जो सह कलाकार है, अब सह कलाकार में जो सहते हैं वो कलाकार का क्योंकि मैं इतनी रिहर्सल्स करवाता हूँ, इतना रिटेक्स करवाता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये किस न्यू कमर के साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आपका बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिलेगा सर। वाह अच्छा, वैसे सुनीता आसपास है नहीं, चांस है क्या? मैं वो थैंक्स बोल रहा हूँ जी। वरुण आपसे भी जानना चाहेंगे कि बारे में कैसा रहा गोविंदा जी के साथ का? बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा, मैं हमेशा से ये हमेशा कहता आ रहा हूँ, मुझे गोविंदा सर, मैं बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर की फिल्मों का, उनके डांस का, और इस फिल्म में मुझे दोनों चीज़ें करने का मौका मिला सर के साथ, जो एज एन एक्टर एज एन और कहीं भी फीका नहीं पड़ा एकदम नहीं। अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस जो व्यक्ति का दिल में ख़राबी ना हो, अच्छा आर्टिस्ट हो और वो चाह रहा हो कि वो जो वर्क कर रहा है वो ईमानदारी से करे, वरुण शर्मा मुझे लगता है कि बहुत ही ईमानदार आर्टिस्ट है, और ये कमाल हो गया है कि ये जो नई पीढ़ी आई है ये बहुत हार्ड वर्क करती है यार, ये लोग तो बहुत हार्ड वर्क करती है पूरा, क्या हम लोग के समय में थिएटर पहुँचे टिकट निकाले और डंडे खाएं और ये क्या क्या टाइम था वो, और अब तो लोग थिएटर हाथ में लेके घूम रहे हैं, गाइस लुकिंग वेरी नाइस, बट वो है सोचने लायक है, तो उम्मीद करता हूँ कि थिएटर में उस तरह की भीड़ फिर से लोग आप लोग देखेंगे, एंड उम्मीद करता हूँ कि वैसी कामयाब होगी, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो आंकड़े जो है वो यहाँ पे आए। वरुण में अपनी थोड़ी सी झलक दिखती है, वो जो एनर्जी लाते हैं कॉमेडी जो टाइमिंग है
उसके साथ साथ ये लोग चूचा आपने कभी देखा है उनका कैरेक्टर? अरे कमाल है, लोग मुझे पूछते हैं ना कि चूचा और चिच्ची मिलके क्या कर रहे हैं। चिच्ची उंगली जो करवाती है ना वो करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं और समझते हैं। हम लोग आए थे बहुत मासूम थे, हमें काम मिल गया तो हमें ऐसा लगा कि आहा हो गया, अब तो हमें घर परिवार संभाल लिया। तो पूरा जो लक्ष्य जो है वो घर परिवार कैसे संभाल लें, सब पल कैसे जाएं, और ऐसा लगता था बहुत हम लोग कमाल कर रहे हैं। और अब तो हर पल ये समझ में आता है कि यार ये अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अब समझ रहा हूँ, और ये सब पढ़े लिखे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो 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 नई पीढ़ी है बहुत सभ्य, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनत कर रही है। मे गॉड ब्लेस देम। मैं यही तो सुनना चाह रहा था ना आपसे, इसलिए तो मैंने कहा। धन्यवाद सर। एक चीज ये थी, कैमरामैन ट्राइपॉड पे नहीं, उनके हाथ थोड़े वो हो रहे होंगे, लेकिन हमें शॉट रखना होगा, लेकिन फिर भी पूछना है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती है, ज्यादातर हम जिनसे भी पूछते हैं वो फेवरेट एक्टर आपका नाम बताते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सलमान खान का, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय संजय दत्त जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का, मैं हर उस साथ में जो हम लोग के मेरे फिल्मों के सिनेमा के काम किए हुए आर्टिस्ट जो मुझे प्रेम करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ आमिर खान जी का, जो सदैव जो है ये कभी विचार नहीं करते कि कितने वर्ष हो गए मेरी फिल्में नहीं लगी या थिएटर में, न जाने क्या पॉलिटिकल रीज़न रहा हो, फिल्में उसे उस तरह का स्टेज या मंच नहीं मिल पा रहा था, परंतु वो सदैव मेरे उन्होंने मेरा सम्मान किया और साथ दिया। मैं उसका आज इस खास समय पे, खास दिवस पे मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सर मेरी सहयोगी की तरफ से एक प्रश्न आया है कि इसमें आपके वो जो पर्टिकुलर डांस स्टेप्स थे वो देखने को मिलेंगे क्या? हाँ, यही है। और वो उसके अलावा जो और डांस स्टेप्स होते थे ना जो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल था, एंड क्योंकि सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि लाइफ में मतलब कि मुझे मैं डांस करने का मतलब एक सॉन्ग करना है और गोविंदा सर के साथ करना है, तो बंदे में वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है, समझ नहीं आता कैसे हो रहा। तो मैं रिहर्सल करी जा रहा हूँ, हमारी रिहर्सल हो रही थी, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ सिखा दो जो जो है प्रॉपरली करते करते। तो जब मैं सेट पे गया तो सर ने इतने स्मूथली वो करा जैसे मतलब वो तो सच अमेजिंग डांसर, तो अपनी तरह से मैंने कोशिश करी कि मैं मैच कर पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा डांस होता है वो डांस जैसा नहीं होता है, इसीलिए वो गोविंदा का डांस कहलाता है। तो मुझे वो वरुण में जो है वो क्योंकि एक्टर है और अच्छे एक्टर है और ईमानदार है, तो वो बहुत सहज पूर्व वो जो है जो डांस डांस की तरह नहीं होता वो डांस वो अच्छे से कर पाए। अब तो हाँ जी 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 आपका दिन है, व्यक्ति है कि जो आपके मतलब डांस के काफी पॉपुलर हो रहे हैं नेट पर जी, डांसिंग अंकल। हाँ मैंने देखा बहुत ही करीब है पहुँचे, बहुत सारे हीरोज़ ने ये प्रयत्न किया था कि वो जो स्टाइल है जिसमें एट ईज स्टेप्स के बिना जिसे कहते हैं हम स्टेप्स करें, तो वो पहुँचे काफ़ी उसके करीब। तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, जो और बहुत सारे ऐसे फ़ैन हैं जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़े आगे निकले। मुझे बहुत आनंद आया, किसी दिन मैं ड्राइव कर रहा था, साथ में बगल में गाड़ी आके ऐसे उधर उधर मैंने देखा खड़ी है, तो मैंने कहा ये मेरी तरह कौन नज़र आ रहा है भाई, देखा चश्मा वैसे ही पहना, कपड़े वैसे ही पहना, तो गाड़ी वैसी सेम स्टाइल की। तो बाहर निकल के आया, कहा मैं आपका फ़ैन हूँ और मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं आपके नाम पर। तो मुझे अच्छा लगा, आपके फ़ैन आगे निकलते हैं, टॉप पे आते हैं, कामयाब होते हैं, और उस प्रेम भाव को वो सदैव साथ रखा करते हैं ना, जिसे कहते हैं वो आगे आ जाए, तकलीफ़ नहीं आने देते, भगवान ना करे कभी तकलीफ आए तो वो आपके सामने आके खड़े हो जाए। तो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं आज की तारीख में, और ऐसे मिल जाए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ देम। बस एक लास्ट, एक दो बार पहले हम लोग कभी आपने मिले थे, कोई मन में रोष या वैसी भावनाएं तो नहीं है ना किसी के प्रति, अब आपके कभी कोई ऐसा किस प्रकार का ऐसी मतलब पूछ हाँ। कोई नहीं हो तो भी बताऊंगा थोड़ी ना। अच्छा सही है, सही है। नहीं मेरा ऐसा फिल्म लाइन में है हम लोग,
हर लाइन में, हर जगह पे प्रतिद्वंद्वता और ये ऊपर नीचे हो जाए करियर, ये हुआ करता है। और जिस वक्त हम लोग कामयाब होते हैं तो धन्यवाद देते हैं माता पिता के आशीर्वाद का, उनका उनके प्रेम का और गणपति बापा की कृपा का। हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं ये कि धन्य। तो वैसे ही उसी तरफ आदमी देखे ज़्यादा तो उसकी सेहत के लिए और उसके जो उसकी जो अपनी सोच है वो बरकरार रहती है, चेहरा वही अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट दिल में आ जाए ना तो चेहरा जो है उसका उसमें विकार आ जाते हैं, आँखें वो टेढ़ी सी हो जाती है ना। तो मेरा ऐसा सोच रहा है कि होती है ऐसी बहुत सी चीज़ें कभी कभी अपने मन में आती है, परंतु उसको मैं लेके घूमता फिरता नहीं हूँ, निकाल देता हूँ। और थैंक यू सो वेरी मच, प्रसन्नचित रहिए और इस साल का फ्रेश फेस अवार्ड आपको मिलेगा। अरे वाह, धन्यवाद। और फ्रेश जोड़ी अवार्ड भी मिलेगा। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। एंड गणपति जी के लिए गणपति बप्पा मोरया।